फाइनली मैंने वो मूवी देखा जिस तरह की मूवीज मुझे बहुत पसंद आती है और आई थिंक आप लोगों को भी पसंद आएगी। लेकिन ये मूवी सबके लिए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार तो आप लोग जरूर चेकआउट करना। अब ये मूवी आपको फ्री में कहाँ देखने को मिलेगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो यार टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, वीडियो पूरा देखो। हम लोग बात करेंगे द सुपर डीप, ये एक रशियन हॉरर थ्रिलर मूवी है जो कि आपको देखने को मिलती है एक अंडररेटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है शडर। शडर पर बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज आती है, लेकिन इस पर हम लोग थोड़ा कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग इस पर्टिकुलर मूवी की बात करते हैं जो कि आपको सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिलती है विथ सबटाइटल्स, बट ये हिंदी में अवेलेबल है नहीं। मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 आवर 54 मिनट की और कहानी फोकस करती है एनआर जो कि एक एपिडेमोलॉजिस्ट है। कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब कोला सुपर डीप बोरहोल यानी कि एक सोवियत रिसर्च सेंटर है। अब ये इतना ज़्यादा डीप है यानी कि इस सेंटर की अगर आप गहराई नापोगे तो करीब करीब 7,000 माले की अगर कोई इमारत होगी, बिल्डिंग होगी, तो उससे भी ज़्यादा गहरी, मतलब आप लोग सोच लो कितना ज़्यादा डीप है। तो उसके अंदर किसी की मिस्टीरियस वॉइस सुनाई देती है। तो अब ये वॉइस है किसकी, ये सब कुछ जानने के लिए एना और उसकी टीम उस रिसर्च सेंटर में जाती है। अब वहाँ जाने के बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस तरह की साइफाई हॉरर थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद करते हो जहाँ पर आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक वो सस्पेंस, वो थ्रिल फील हो, तो आपको ये मूवी डेफिनेटली देखना चाहिए। उसके अलावा इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है और जिस तरह से इस मूवी को एग्जीक्यूट किया बहुत ही गजब लगा यार। मतलब एक सेकंड के लिए भी मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाता अब क्या होगा, और जो एक टेंशन का माहौल है ना वो थ्रू आउट द मूवी क्रिएट रहता है। उसके अलावा मूवी में आपको ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है ना उसके पास्ट में जो जो चीज़ें हुई है ना, जो जो गलती उससे हुई है, तो उसका असर प्रेजेंट में किस तरह से उस पर पड़ रहा है सब देख के कहने के आप लोग एना से एक थोड़ा बहुत कनेक्शन बना लेते। उसके अलावा जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनको भी बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है और पूरी मूवी में आपको कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा लगेगा। सिनेमेटोग्राफी जो कि हाईलाइट है इस पूरी मूवी का, और रशियन मूवीज़ के बारे में आपको एक ही चीज़ बोलूँ, अगर आप लोगों ने ज़्यादा रशियन मूवीज़ नहीं देखी है, मैंने कुछ देखी और कभी भी उन लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं किया। और ऑल टुगेदर जब इस पर्टिकुलर मूवी को भी देखोगे तो यार जो एक एटमोसफियर क्रिएट किया, जो एक टोन है इस मूवी का और जो कलर्स का यूज़ किया है, मज़ा आ गया यार। और BGM की बात करो तो यार BGM ऑसम है, आउटस्टैंडिंग है, और इस तरह की म्यूजिक में जब ऐसे BGM हो तो वो आपके गूज़बम्प्स खड़े कर देता है। उसके अलावा आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा है, VFX आपको देखने को मिला, VFX बहुत ही अच्छी तरह से किया है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यार ईच एंड एवरी एक्टर हैज़ डन मैग्निफिसेंट वर्क यार, मज़ा आ गया उनका काम देखकर। डायरेक्शन बहुत अच्छा है, मूवी की एडिटिंग अच्छी है, ओवरऑल एक अच्छी मूवी जो आपको बोर नहीं करेगी। और मूवी जहां पर खत्म हुई है वहां से आप लोग डेफिनेटली ये अंदाजा लगा लो कि इसका पार्ट 2 हमें देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग दोबारा से देखोगे, क्योंकि इस मूवी को मैंने आज 2 बार देखा है, तो दोबारा से देखोगे तो इस मूवी के स्टार्टिंग के थोड़े ही आगे एक ऐसी हिंट दिए, वहीं पर डायरेक्टर ने बता दिया कि इसका पार्ट 2 आएगा, लेकिन वो हिंट मैंने जब दूसरी बार देखा तब मुझे पता चला। ओवरऑल इट्स अ वॉचेबल मूवी। पेरेंटल गाइडेंस की बात करो तो यस, इस मूवी में एडल्ट सीन तो नहीं है, लेकिन वो जो क्रीचर है या वो जो भी है वो थोड़ा आपको डरा सकता है, बच्चों लोग को मत दिखाना। और वो जो क्लाइमेक्स का पोर्शन थोड़ा सा अवॉइडेबल है, मतलब घर वालों के सामने, बाकी ओवरऑल आप लोग देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 8 आउट ऑफ 10। आपको ये मूवी फ्री में देखनी है तो यार डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर जाओ, या तो फिर मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।